कंडीशंस को देखते हुए ये बोलिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करना चाहिए कि भाई अब पिक कर लो, एक टाइम आ गया है, दो गेमें बची हैं, पुट योर बेस्ट प्लेयर्स फॉरवर्ड, चूज किए हैं, पिक किए हैं, ये दो गेम खेलेंगे अभी। नहीं, इसी एक सवाल का जवाब अभी तक जो भारतीय टीम दे नहीं पाई, अच्छा खेले हैं क्योंकि इनके पास प्लेयर्स हैं, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, जिसको भी रिप्लेस करते हैं वो बंदा आके अपनी जगह बना लेता है टीम में। पर आप देखिए, वर्ल्ड कप की तैयारी 2-3 साल से टीम करती है, वो इंडियन टीम भी कर रही है, पर मेरा थोड़ा सवाल ये होगा कि बिफोर द नॉकआउट आपके पास 3-4 प्लेयर 11 में जो ये तो पहला मैच खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप का, इस टूर्नामेंट का, या टीम में थे ही नहीं पहले, जैसे पंत आए या ये शंकर भी आके चले गए, इंजर्ड हो गए, मयंक अग्रवाल आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो पहली बार वर्ल्ड कप में आए और इस टीम के हिस्सा नहीं थे पहले। तो ये एक सवाल है कि भाई अभी तक क्या टीम हमारी कॉम्बिनेशन बन गया है, वो दिखने में मिला नहीं अभी तक, क्योंकि अभी अगर डीके देखिए, डीके पूरा मैच अभी इस वर्ल्ड कप का खेले नहीं, उनका एक दूसरा मैच है, पिछला मैच आउट हो गए, मान लो आज आउट हो जाते तो फिर अगला मैच भी क्या करोगे आप? Correct. तो आप एक मैच की टीम बनाते हो कि ये अच्छा कर दिया तो उसको अगला मैच खिला दें, ऐसा होता नहीं। बड़ी टीम में पहले से पता होता है कि ये हमारी बेस्ट 11 है, अगर हम बहुत ही बुरा माहौल हुआ, खराब खेले, तब हम चेंजेस करेंगे, पर इंडियन टीम तो अच्छी खेलती आ रही है, तब भी बदलाव इतने हो रहे हैं, तो वो एक सवालिया मेरे जहन में है कि क्या बिफोर द सेमीफाइनल जो बड़ा गेम होने वाला है, होना चाहिए कि नहीं, तो हाँ वो माइंड में होगा कप्तान के, क्या बेस्ट 11 खिलाने चाहिए इस स्क्वाड के अंदर से। अगर आपको देखा जाए कि अभी भाई दो मैचेस बचे हैं, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, आपके वो करेक्ट 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो खेलते आ रहे हैं, जो खेलते नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेले, क्योंकि आपकी इंडियन टीम का बुरा हाल रहा नहीं, अच्छा खेले वो लोग, तब पैनिक क्यों करना है? जो लोग प्लेयर जो खेलता आ रहा है, हाँ कुछ मैच में उसने नहीं किया, खराब फॉर्म रहा, तभी उसको बैक करते हैं, क्योंकि उसका जो पिछले 1-2 साल गया वो अच्छा गया, तभी वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है। चाहे केदार जाधव की बात कर लें, उन्होंने जब भी मौका मिला अच्छा किया, खराब नहीं किया। कुलदीप की बात कर लें, कुलदीप चहल की जोड़ी बहुत शानदार रही है, तो उसमें एक आध मैच खराब जाता है, फिर आप धोनी की बात करते हैं लोग कि अरे अब वो सेम धोनी रहे नहीं, तो वो होगा हमेशा, बट हम जीतते आ रहे हैं। अगर हम मैच हारते, लीग फेस पे स्ट्रगल करते, जैसे पाकिस्तान स्ट्रगल करेगी, लास्ट मैच उनको 300 के आंकड़े से हराना था मार्जिन से, ऐसा कुछ माहौल तो हमारे साथ आया ही नहीं ना। तो जब चीजें अच्छी हो रही तो आपको प्लेयर के साथ थोड़ा सा ठहराव रखना चाहिए, थोड़ा और पेशेंस के साथ उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज ये ऐड करूंगा कि जो आपको बदलाव होते हैं ना, कि वो आप देखिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप बदलाव करते हैं, कि या तो कभी कोई चोटिल हो जाए तो बात अलग है, कि गेंदबाजी में बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, कि कभी ना यहाँ पे थोड़ी सीमिंग विकेट है कि एक तेज गेंदबाज अतिरिक्त आ गया, गेंद घूमने वाला है, एक फिरकी गेंदबाज ज्यादा आ गया, वो आप देख। पर बल्लेबाजी में ज्यादा उतनी उथल पुथल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए दिनेश कार्तिक, आपने पहले उनका चयन किया था वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस हुई थी ना, 15 की घोषणा जब की गई थी, पर आके ऋषभ पंत उनसे पहले मैच खेले, तो वो शायद कारण यही हो सकता था कि इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला, कि आदिल रशीद एकमात्र लेग स्पिनर है, क्यों उनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे, या शिखर धवन चोटिल हो गए तो कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो आपको एक बीच में टीम में चाहिए लेफ्ट हैंडर, वो एक कारण हो सकता है। जैसे केदार जाधव हैं, उन्होंने कुछ खराब नहीं किया है, फिर भी वो बाहर बैठे, तो आप बहुत कम देखेंगे कि अगर आपकी टीम रन नहीं बना रही या आप अच्छा नहीं कर रहे तो बल्लेबाजी में ऐसे उथल पुथल हो। गेंदबाजी तो देखिए ऐसी चीज है कि आपके पास अगर ऐसी सेट टीमों की, और वो टेस्ट मैच में कि अगर आपके पास ब्रेटली हैं और शेन वॉन हैं और मैग्रा हैं, गिलेस्पी हैं, अच्छा ये चार खेलेंगे, या जब कभी कभार होता था हम देखते थे भारतीय टीम में कि अगर पिच सपाट है कि कुंबले को खिलाना है कि भज्जी को खिलाना है कि एक ही खेलेंगे, जहां विकेट घूम रही है कि दोनों खेल लिए, तो आपको बहुत बड़े गेंदबाज अनिल कुंबले 2003 वर्ल्ड कप में बाहर बैठना पड़ा उन्हें, या तो कभी भज्जी खेलते थे या कभी अनिल कुंबले खेलते थे, और ज्यादातर अंत में भज्जी खेले। वो गेंदबाजी के साथ हो सकता है, बल्लेबाजी के साथ वो जितना आप कम करें उतना बेहतर होता है। भाई हम सब यही कह रहे हैं, चॉपिंग चेंजिंग बंद कीजिए, हमें अपने 11 दिलाइए ताकि हम ये कप को जीतें, उठाएं। नहीं, कोई 11 सर्टन नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए क्रिकेट एक इस तरीके का खेल है कि जिस पिच पे खेला जाता है ना, कप्तान और कोच और सिलेक्टर जो भी है चयन करता है, उस पिच को ध्यान में रख के आप अपने 11 बनाते हैं, तो 9 प्लेयर तो आपके हर समय आपको पता है कि ये 9 है, वो एक और दो जो है वो परिस्थितियां देख के बदले जाते हैं, तो कोई भी टीम 11 कभी भी अपने, और एक सबकी सोच भी होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है कि 11 बड़े मुश्किल है। देखिए अगर भारतीय टीम की बात करें तो शायद मैनचेस्टर पे 11 अलग होंगे और बर्मिंगम पर 11 अलग होंगे, 9 या 9.5 कह लीजिए सेम होंगे, या मैं तो कहता हूँ चलो 10 होंगे, पर एक हमेशा आप देखेंगे कि कैसी है पिच और किस उस पिच को ध्यान में रखते हुए आप वो खिलाड़ी को चूज करते हैं।